नमस्कार बच्चों, कल हम गेज के बारे में पढ़ रहे थे। उसी का आगे का जो पॉइंट है वो है स्क्रू पिच गेज। इस गेज का इस्तेमाल है उभयता आंतरिक चूड़ी या स्क्रू या नट की चूड़ियों की पिच चेक करने के लिए किया जाता है, या इसका प्रयोग जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जब चूड़ियाँ बनाई जाती है तो उसके कोण, गहराई, पिच आदि को चेक करने के लिए भी इस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्क्रू थ्रेड के पिच और कोण के अनुसार कई ब्लेड होते हैं जिनको एक होल्डर में, जिस प्रकार से रेडियस गेज और फिलर गेज के बारे में अपने पढ़ा था, उसी प्रकार स्क्रू पिच गेज के अंदर भी अलग अलग ब्लेड होती है जिनको एक होल्डर में स्क्रू और नट की सहायता से फिट करते हैं, और उसमें अलग अलग साइज की ब्लेड फिट की जाती है। इनके प्रयोग जो होता है वो कोण का, चूड़ी का कोण ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 55 डिग्री का कोण वाले स्क्रू थ्रेड के लिए, 60 डिग्री वाले स्क्रू थ्रेड के लिए, 47.5 डिग्री कोण वाली स्क्रू थ्रेड के लिए, ISO जो मैट्रिक स्क्रू थ्रेड है उसके लिए, इस प्रकार अलग अलग स्क्रू पिच गेज होते हैं जो चूड़ियों का पिच, कोण, आकार चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार मैट्रिक चूड़ियों के लिए स्क्रू पिच गेज में 0.025 से लेकर 6 मिलीमीटर पिच के लिए 24 ब्लेड होते हैं। कितने ब्लेड होते हैं? 24 ब्लेड होते हैं। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए थ्रेड, उसके ब्लेड की पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब इसका प्रयोग करते हैं तो पूरी ब्लेड का लंबाई के अंदर प्रयोग करना चाहिए, जिससे सही माप चूड़ी की ली जा सकती है। तो स्क्रू पिच गेज है वो चूड़ियों का कोण, गहराई, पिच आदि को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है वायर गेज। वायर गेज होता है वो एक स्टील की 3 mm मोटी गोल प्लेट होती है, या आयताकार प्लेट भी होती है, जिन पर भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं, जिनकी परिधि के ऊपर या आयताकार के बाहर के साइड में खांचे बने होते हैं। इस गेज का प्रयोग है वो सीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये गेज 0.125 से लेकर 8 mm तक रेंज की रेंज में सीट की मोटाई और तार का व्यास चेक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वायर गेजों के खांचों पर नंबर लिखा होता है, मतलब अलग अलग उस खांचों के ऊपर नंबर लिखा होता है, जिसके साइज का मान तालिका में देखा जा सकता है। मतलब अलग से उसकी तालिका होती है जिसके द्वारा, उस नंबरों के द्वारा उनका साइज है वो चेक किया जा सकता है। इस प्रकार वायर गेज का प्रयोग है वो तार की मोटाई या सीट की मोटाई को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ये गोल आकार की पत्ती होती है जिन पर परिधि के ऊपर या आयताकार जो पत्ती होती है उसके किनारों पर झिरियाँ कटी होती है, खांचे बने होते हैं जिन पर अलग अलग साइज अंकित किया होता है। तो ये सीट की मोटाई और वायर का व्यास चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में जो आती है वो है लिमिट गेजे। लिमिट गेजे का मतलब होता है कि किसी वस्तु का बहुउत्पादन करते समय मापों की पूरी यथार्थता देना आवश्यक नहीं समझा जाता है, क्योंकि पूरी यथार्थता प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम, समय व धन खर्च करना पड़ता है, जो कि आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता है। कार्यखंड या जॉब या किसी वस्तु की प्रत्येक माप के लिए निम्न सीमा तथा उस सीमा अर्थात दो सीमाओं से निर्धारित होती है, मतलब एक से ज़्यादा और एक कम से कम माप पर छूट दी जाती है। कार्यखंड व जॉब इन सीमाओं के अंतर्गत बना होता है, मतलब जॉब या जो कार्य होता है, कोई भी वस्तु होती है, वो इन दोनों सीमाओं के बीच में बनी होती है। इनको चेक करने के लिए लिमिट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो गेज काम में लिए जाते हैं वो होते हैं
लिमिट गेज, जिसके अंदर पहला है प्लग गेज। प्लग गेज किसे कहते हैं कि इस प्रकार की गेजों का प्रयोग है वो कार्यखंड या जॉब में बनी आंतरिक मापों को, या ऐसे बोल सकते हैं इस गेज का प्रयोग है वो प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ये भी इस्पात की बनी होती है और भीतरी व्यास को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक गो सिरा एक नो गो सिरा होता है। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार प्लग गेज है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा है सिंगल एंडेड प्लग गेज। इस गेज के अंदर एक प्लग होता है, एक साइड में प्लग होता है जिसको साइज में फिनिश किया होता है। इसके साथ एक अष्टभुज आकार का, गोल आकार में भी हो सकता है, नर्लिंग किया हुआ। गोल आकार का मतलब इस प्रकार से गोल आकार का, उसके ऊपर इस प्रकार से नर्लिंग की हुई होती है जो अच्छी ग्रिपिंग करने के लिए, पकड़ करने के लिए काम में ली जाती है। तो इसके ऊपर षष्ठभुज आकार का हैंडल भी लगा सकता है या फिर गोल आकार का नर्लिंग किया हुआ हैंडल भी लगा हुआ होता है। इसका प्रयोग किसी होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब होल के अंदर इसके प्लग वाले भाग को लगाकर उसके साइज का पता लिया किया जाता है। उसके बाद में आता है दूसरा डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड का मतलब इसमें दोनों तरफ, दोनों सिरों के ऊपर दो गेज लगे होते हैं और बीच के अंदर षष्ठभुज आकार का या गोल आकार नर्लिंग किया हुआ हैंडल फिट होता है। इसमें एक गिरा सिरा गो का होता है और दूसरा सिरा नो गो साइज का होता है। इस गेज से किसी जॉब के सुराग को लिमिट में चेक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिमिट में चेक किया जा सकता है। इसमें गो सिरे और नो गो सिरे की पहचान के लिए क्या किया जाता है कि गो सिरे को सिरा थोड़ा बड़ा होता है और नोट गो सिरे का साइज छोटा होता है, जिसके द्वारा गो सिरे और नो गो सिरे की पहचान की जाती है। उसके बाद में आता है तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है जिसके एक सिरे पर ही दोनों गो और नो गिरो साइज बने होते हैं, जिसके साथ षष्ठभुज आकार या षष्ठभुज आकार या गोल आकार का हैंडल फिट रहता है। जिसके अंदर इस गेज का प्रयोग है जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए किया जाता है। गो और नो गो एक ही ओर होने से चेकिंग करने में आसानी रहती है, मतलब बार बार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक साइड में होने पर उनको जॉब को चेक करने के लिए आसानी रहती है। इसमें गो सिरा आगे एक साइड में रहता है और नो गो सिरा पीछे की साइड में रहता है। इसमें भी अगर गेज का इस्तेमाल करने पर इस जो लिखा हुआ गो सिरा और नो गो जो नेम अगर मिट जाता है तो इसमें लंबाई के अनुसार उसको पहचाना जा सकता है कि लंबाई बड़ी गो सिरे की होती है और छोटी नो गो सिरे की होती है। उसके बाद में आता है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज है, ये गेज स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है, जिसके साथ षष्ठभुज या गोल आकार का नर्लिंग किया हुआ हैंडल फिट रहता है। इस गेज का प्रयोग किसी सुराख को टेपर में चेक करने के लिए किया जाता है। गो और नो गो साइज की पहचान के लिए इसके टेपर के बड़े सिरे पर एक स्टेप बना होता है। स्टेप बना होता है जिसके द्वारा उसके गो और नो गो सिरे की पहचान की जाती है। उसके बाद में आता है तीसरा थ्रेड प्लग गेज। इसका प्रयोग है वो अंदरूनी थ्रेड का आकार, उसकी डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आसान पहचान के लिए इसका गो सिरा नो गो सिरे के अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है, मतलब इसके अंदर गो नो गो सिरे की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है कि गो सिरा होता है वो नो गो सिरे की अपेक्षा लंबा होता है, मतलब ये सिरा इसका गो वाला है और ये नो गो वाला है। कभी कभी नो गो सिरे से के नज़दीक हैंडल पर एक ग्रू भी काट दिया जाता है, मतलब इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं कि नो गो जो सिरा वाला होता है उसके पास में एक स्लॉट भी कटा हुआ होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। तो थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग है
वो किसी अंदरूनी चूड़ी को